ସର୍ବେ ପଡ଼ିବେ ଭାଜି ଦମ୍ଭ ଗର୍ଭ ତାଙ୍କ ଜୀବଟି ହଜିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଶୂନ୍ୟ ଦେବେ ଖଞ୍ଜି। ଅର୍ଥ ଜବ କଲ୍କି ଅପନା ପରାକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରେଙ୍ଗେ ପାପିୟୋଁ କା ଧର୍ମଦ୍ରୋହିୟୋଁ କା ସାରା ଘମଣ୍ଡ ଟୁଟ କର ଚକନାଚୂର ହୋ ଜାଏଗା ଜାନେ ଆନେ କା ରାସ୍ତା ତକ ନସୀବ ନହିଁ ହୋଗା। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ओडिशा के दिव्य एवं महान संत गुरु पंचसखाओं के द्वारा रचना की गई ग्रंथों की माला मालिका पर चर्चा करता हूँ, जो कि इस कलयुग का एकमात्र अमृत है। आज का नया अध्याय आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। दोस्तों, हर दिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट करते हैं, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ भाई बहन वीडियोस को पूरा नहीं देखते, या फिर सिर्फ एक दो अध्याय देख के प्रश्न करते हैं। उन सब से निवेदन है, समय लेके सारे अध्याय देखिए, ध्यान से सुनिए, आप सबका अपना उत्तर मिल जाएगा। दूसरा चीज है कि कुछ भाई बहन दूसरे चैनल से कुछ सुनते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ करते हैं कि आपने ऐसा कहा था, वैसा कहा था। ऐसा मत कीजिए, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और कुछ बड़े बड़े चैनल वाले यहाँ से ज्ञान लेके कॉपी करके वीडियोस बनाते हैं, बाद में जब यूट्यूब से कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है, रोते हुए ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, ऐसी गलती करो ही मत कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े। तो दोस्तों, जैसा कि कल के अध्याय में हमने चर्चा किया था कि रशिया माफ़ी मांगेगा किससे, कल्कि से। अब प्रश्न है, आखिर क्यों? क्योंकि रशिया प्रभु जगन्नाथ को चोरी करके रशिया लेना चाहता है, जिसमें वो सफल नहीं होगा। और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए वरदान का याद दिलाएंगे कल्कि, जिसके बाद उसे एहसास होगा कि उससे बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद रशिया को कल्कि आदेश देंगे कि तुम्हें छतिया धाम को सुरक्षित रखना है दुश्मनों से। फलस्वरूप रशिया पूरे धाम को घेर लेगा, ताकि कोई अंदर ना जा पाए, ना ही कोई आक्रमण कर पाए। आखिर रशिया को क्यों कहेंगे, खुद कल्कि कहाँ जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं, घोर कौड़ी युद्ध हेब छतिया बटेण, पंच दिन पंच रात्र घोर युद्ध हेब। अर्थ महायुद्ध आरंभ होगा कहाँ, छतिया में। ओडिशा राज्य रे घोर चहल पड़िब, विश्राम न करी प्रभु युद्ध आरंभिबे। अर्थ ओडिशा राज्य में युद्ध की कंपन से प्रकंपित हो जाएगा, और बिना विश्राम किए कल्कि मल्टीपल फ्रंट से युद्ध लड़ेंगे। ये युद्ध कितना दिन चलेगा? पांच दिन पांच रात। और जगन्नाथ प्रभु कितना दिन रहेंगे छतिया धाम में? सात दिन सात रात। छतिया बटरे हट दुई भाईंकर लागी बनाट। अर्थ छतिया में दो भाई, कौन? दो भाई यानी कल्कि और बलराम अपना लीला प्रकाश करेंगे। अति भयंकर युद्ध होगा, दुश्मनों को
संभलने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ कल्कि ही नहीं बल्कि सप्तरथी, जिसमें पांडव भी होंगे, उनके अलावा और भी कई सारे वीर योद्धा नारायण सेना धर्म के तरफ से लड़ेंगे, और ऐसी सेना का मुकाबला करना असंभव है। एक ही झटके में दुश्मनों का अंत हो जाएगा, भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा, 600 साल पहले लिखे गए ग्रंथों की माला मालिका की अटल वाणी है और तथ्य प्रमाणों पर आधारित है। जितने भी पुराने सदस्य हैं इस परिवार के, जितने भी भाई बहन पहले से जुड़े हैं इस चैनल से या फिर फेसबुक पर भी, जब मैं मालिका का प्रचार करता था, उन सबको मालूम है। घटना होने से पहले ही मैं सबको सतर्क कर देता हूँ, और वो भी डिटेल्स में। कुछ कहते हैं मैं साल नहीं बताता कब घटना होगी, पुराने अध्याय देखिए तो सही, सब कुछ प्रकाश कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखेंगे इसमें मेरी गलती नहीं है। दोस्तों, कल्कि का पराक्रम कुछ ऐसा होगा युद्ध की भूमि पर कि गुरुदेव कहते हैं, हरसरे देवगण स्वर्गरु जे आसी दर्शन करिबे प्रभु कल्कि प्रकाशी, अर्थ स्वर्ग से देवता कल्कि के दर्शन करने आएंगे और उस रूप को देखकर आनंदित हो जाएंगे। दोस्तों, इससे एक बात प्रमाणित होता है, जब तक कल्कि अपना कर्म प्रकाश नहीं करेंगे, किसी को भी, यहाँ तक कि देवताओं को भी मालूम नहीं होगा आखिर अवतार कौन है। इसीलिए बार बार कहता हूँ, किसी भी ढोंगी के जाल में मत फंसना। और जो भी कहते हैं कि उन्होंने कल्कि को देखा है या जानते हैं, समझ लेना झूठ बोल रहे हैं। जब तक वो अपना कर्म को प्रकाश नहीं करते, तब तक किसी को भी बल्कि खुद शिव जी को भी ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम कल्कि आखिर है कौन। ऐसा मैं नहीं, खुद प्रभु जगन्नाथ जी ने कही है, गुरु अच्युतानंद जी को, और गुरु अच्युतानंद जी ने कही है अपने मालिका ग्रंथों में। तो दोस्तों, इसी तरह भारत दुश्मनों से मुक्त हो जाएगा और फिर से बनेगा एकमात्र विश्वगुरु यानी सुपर पावर, और बचे हुए भक्तों को साथ लेकर आरंभ करेंगे एक नया युग का। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।